खैरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज ने कहा है कि फाटा इंजमाम के बाद कबायली इलाकों को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए फाटा के नौजवानों को अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करना होगा। कबायली इलाकों से पसमानदगी के खात्मे और इन्हें तरक्की याफ्ता बनाने के लिए हर किस्म का तआवुन करने के लिए तैयार हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जुमेरात के रोज फाटा यूथ जिरगा के अराकीन के एजाज में दिए गए अफ्तार डिनर से खताब के दौरान किया। मेरे भाई मेरे दोस्त सलीम साहब साहब ने नवाज शरीफ का जिक्र भी किया, इमरान खान का जिक्र भी किया। नो डाउट कि उन्होंने यही कहा जो सलीम साहब साहब कह रहे हैं, लेकिन मैं आसिफ जरदारी साहब का जिक्र करना चाहता हूँ जिन्होंने चीज की बुनियाद रखी और इस चीज को पाया तकमील तक पहुँचाने में मदद की, और आगे भी इंशाल्लाह मैं उनके बिहाफ पर कहता हूँ कि वो करेंगे और मैं इमरान खान भी करेगा, सब करेंगे। ये नेशनल कॉज है, इसमें कोई भी बंदा न पहले पीछे रहा है ना आगे। दूसरा हमारा सियालकोट, मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ, जिस तरह आप लोगों ने सियालकोट है इसी तरह हमारे पास सियालकोट है। सियालकोट के बिजनेसमैनों ने सियालकोट के अवाम ने सियालकोट को खुद चला दिया, किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, यहाँ तक कि एयरपोर्ट भी वहाँ पर माइक चेंज कर लो। सियालकोट का हर अदारा बिजनेसमैन खुद बनाते हैं, वो अल्लाह से मांगते हैं, गवर्नमेंट से उनको उनके हाल पर छोड़ते हैं। अगर यही जज्बा आप लोगों में रहा, यही चीज रही, तो ये सालों की बात है कि फाटा जो है वो एक इस्लामाबाद से बेहतर अल्लाह तला जाएगा और उसमें अल्लाह ताला रोजगार के मौके भी देगा और उसमें सारे लोग गवर्नमेंट हो गई जो वहाँ का या बैरी ग्राउंड में देख रहे हैं या इस्लामाबाद में देख रहे हैं या यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं, और ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ये एक साइंस है, एक समझ है, एक सोच है। अगर उस सोच को अपना लिया जाए, उस कमिटमेंट के ऊपर हो, तो ये तभी हो सकती है। जो मैंने अभी आपका एक सिस्टम देखा है वो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर कि ये 2 महीने वाला सिस्टम जो है ना, ये आपको कहीं भी लेके नहीं जाएगा। ये कम से कम 2 साल का सिस्टम होगा तो आप किसी से बात करेंगे, कोई आपसे बात करेगा, जब उसको पता होगा कि इसमें 2 महीने होना ही नहीं, 2 महीने के बाद तो वो कोई भी बंदा आपसे कमिटमेंट नहीं करेगा। तो सिर्फ मैंने तो सलीम साहब को और मेजर आमिर साहब को ब्लैंक चेक दिया हुआ है कि जो भी काम हम कर सकते हैं आपके इलाके के लिए या केपीके के लिए, वो हम करने के लिए तैयार हैं। ये काम बहुत जल्दी केपीके में भी जा रहा है और वहाँ भी माशाल्लाह काम करेंगे। और दूसरा सलीम ने कहा है कि 2 दस्तखा हैं, और मैं सलीम को 3 महीने पहले भी कहा था, 2 महीने पहले भी कहा था, तो मैंने सलीम को कहा था कि अगर डिले होगी तो सलीम साहब के ऊपर होगी, मेरे ऊपर ना होगी। बहुत मेहरबान, थैंक यू। आज मैं ये समझ रहा हूँ कि ये आज का दिन जो है ये कबायली अवाम के लिए आज़ादी सानी से कम नहीं है, क्योंकि कबायली अवाम को अंग्रेज़ की फरसूदा निज़ाम से छुटकारा मिल गया और अभी उनको पाकिस्तानी कानून एक्सटेंड हो गया, जो तारीख में पहली बार काबिया जो तारीख में पहली बार कबायली अवाम को वो हुकूक मिलने वाले हैं जो बाकी पाकिस्तान के शहरियों को मिल चुके हैं। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान की सही मानों में तकमील हुई है, क्योंकि इससे पहले वहाँ पर आइनी पाकिस्तान नहीं था, जिसकी वजह से वो इलाका आइन के आर्टिकल 1 के तहत फिज़िकली पाकिस्तान का हिस्सा तो था, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, जो कि अभी आज प्रेसिडेंट साहब ने जिस 31st अमेंडमेंट बिल पे साइन की है, इसके बाद हम उतने ही पाकिस्तानी बन गए हैं जितने कि आप या लाहौर या कराची इस्लामाबाद का कोई और शहरी। आर्मी ने मर्जर को जिस तरीके से सपोर्ट किया, यकीनन वो काबिल तहसीन है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी जी आई एस पी आर पाकिस्तान आर्मी को, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को
سپورٹ کر لیا اور یہ رسپانسبلٹی لی کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو انشاءاللہ ہم مینٹین کر لیں گے. لیکن چونکہ وہ علاقہ غیر کہلاتا ہے, وہ لوگ پاکستانی اسی طرح نہیں کہلائے جاتے, ہمارے کلچر کو برا دیکھا جاتا ہے, اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں نے جو ہمیں سپورٹ کیا ہم ان کے شکر گزار. میں ملک ریاض اور میجر عامر صاحب کا اس لیے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے فاٹا یوتھ جرگے کے لیے آج اس محفل کا اہتمام کیا. ایک بہت بڑا چیلنج ہمیں درپیش ہے, خاص کر آپ لوگوں کو, اور وہ ہے ان لوگوں کا ایکٹیو رہنا جن کی سینے پاکستان کے خلاف نفرت اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں. کبھی وہ ایک کو آگے کرتے ہیں, کبھی دوسرے کرتے ہیں. آج کل انہوں نے فاٹا کے کچھ نوجوانوں کو بتایا منظور پشتی ہیں, اور وہ سب جو اس پاکستان سے نفرت کی بیماری میں مبتلا ہے, انہوں نے اپنا وہ سودا جو ایکسپائرڈ ہو چکا ہے, جن کو کبھی پختونوں نے قبول نہیں کیا, انہیں جا کے منظور پشتی کے اسٹور پر رکھ دیا. آپ نے وہاں پہ تعصب کے خلاف لڑنا ہے. ملک ریاض نے سابقہ فاٹا کہلانے والے علاقے کے عوام کے لیے 5 نئے بحریہ دسترخوان اور ایک اسکول کا اعلان کیا. ساتھی رپورٹر اظہر حجازی کے ساتھ نوید نقوی, میلانج ٹی وی, اسلام آباد.